गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 11 का एक टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, दैट मींस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है किसी स्पेस में, उसको हम लोग पढ़ेंगे यहां पे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले इक्वेशन किस तरीके से किस तरीके का इक्वेशन होता है। फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन through a given point, कोई given point है, हम लोग को given point क्या दिया है, vector, that means vector A कोई given point है, and parallel to a given vector, एक कोई given vector है, जिसके parallel है given vector, क्या vector B, vector B के parallel है, तो equation of line क्या होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो equation of line क्या होगा, vector R equal to vector A plus lambda vector B, lambda क्या है, एक constant value है, जो इन दोनों parallel है, इन दोनों के connection मेन उपयोग है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। अब कार्टेशियन इक्वेशन अगर हम यूज कर लेते हैं, ये तो नॉर्मल फॉर्म हो गया वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो उसको किस तरीके से बना सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में एक्स माइनस एक्स वन गिवन पॉइंट जो है वेक्टर है, उसके रेशियो जो होंगे डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो और गिवन वेक्टर जो हम लोग का है वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और जो पॉइंट गिवन है उसकी वैल्यू x - x1 / a, ये डायरेक्शन रेशियो है, y - y1 / b, सेम z - z1 / c, ये तो हो गया इसके लिए डायरेक्शन रेशियो के लिए। सेम ऐसे ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के लिए इक्वेशन बता सकते हैं, पर डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी इक्वेशन क्या होगा, x - x1 / l, y - y1 / m, डायरेक्शन कोसाइन के लिए z - z1 / m, ये डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या होगा, इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से इक्वेशन होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग देखते हैं, ये हम लोग को गिवन पॉइंट को और किसी लाइन के पैरेलल हो वो अगर गिवन है तो दोनों के लिए इस कंडीशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, सेकंड हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, टू पॉइंट्स, दैट मींस अगर हम लोग दो पॉइंट्स गिवन है उसके पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसका इक्वेशन निकलेगा पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स के लिए। और इसका कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म, इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होगा वो किस तरीके से होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, क्योंकि इससे हम लोग क्या डायरेक्शन कोसाइन, ये जो x2 - x1 क्या है डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग फाइंड करके इसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आएगा। तो इस तरीके से टू पासिंग पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दो तरीके हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दैट मींस दो लाइंस के बीच का एंगल किस तरीके से हम लोग देखेंगे। एंगल
एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस हम लोग देखना है, दो लाइंस के बीच का एंगल जो होता है वो इस तरीके से हैंग किया जाता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू बी वन स्क्वायर ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर एंड अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे जो अगर हम लोगों को क्या दिया था डायरेक्शन रेशियो, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो वहां से हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें भी जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर लाइन पैरेलल हो, दो लाइंस आर पैरेलल, अगर पैरेलल हो दैट मींस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 0 डिग्री, पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 0 डिग्री। और ये इसका कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2, तभी क्या प्रूव किया जा सकता है कि वो क्या है पैरेलल। थर्ड कंडीशन, हां सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर दैट मींस थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को करके दैट मींस cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये जितने डिनोमिनेटर के टर्म से हम पूरे इधर आगे कर देंगे 0, दैट मींस क्या मिलेगा हम लोग को a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है दैट मींस वो क्या आता है परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर ना। इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कोई भी दो लाइंस है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइंस के बीच का निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होगा, एक अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो, दूसरा दोनों लाइंस पैरेलल ना हो। तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस का मीनिंग क्या होता है कि दोनों लाइंस हैं पैरेलल नहीं, तो अगर दो स्क्यू लाइंस हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे हम लोग लेंगे, तो d इक्वल टू डिस्टेंस का फार्मूला है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, दैट मींस फर्स्ट लाइन का b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। इस तरीके से जो वैल्यू आएगी ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा दोनों लाइन के बीच। ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में बोल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में रहता है, मींस कार्टेशियन फॉर्म बता सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा देखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिनोमिनेटर, अब फिर हम लोग इधर लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट में लोग डिफाइन करते हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2
उसके बाद उसके रेशियो दैट मींस डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं ना वो लेते हैं a1 b1 c1 एंड सेकंड a2 b2 c2 ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है अपॉन उसके बाद अंडर रूट ये पूरी वैल्यू b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस b2 a1 का स्क्वायर इस तरीके से इसका हम वैल्यू ऐड करेंगे तो ये क्या होगा डिस्टेंस हमें मिलेगा कार्टेशियन फॉर्म तो इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस फाइंड किया जाएगा अब हम लोग डिस्टेंस देखते हैं टू लाइंस का जो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना आसान है आपके लिए दैट मींस अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा दोनों पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर लाइन दे देते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं ना सेकंड कंडीशन क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल चलिए दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस अब पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है ये एक लेयर का वेक्टर r इक्वल टू फर्स्ट लाइन क्या है a1 प्लस लैम्डा बी एंड सेकंड लेंगे तो वेक्टर r इक्वल टू a2 बस इसके लिए भी मुझे क्योंकि लैम्डा बी दोनों सेम होगा कितना ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल इनके बीच का डिस्टेंस d इक्वल टू डिस्टेंस का फार्मूला क्या है वेक्टर a क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर को फाइंड करेंगे तो ये दोनों के लाइन के बीच का क्या होगा डिस्टेंस होगा इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं तो इसी तरीके का फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे डिस्टेंस पैरेलल लाइंस इक्वेशन ऑफ लाइंस ये सब फाइंड करेंगे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से एक्सरसाइज 11.2 से एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं क्या दिया है हम लोगों सो दैट द थ्री लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हम लोग लेट कर लेते हैं लेट लाइन L1 कैपिटल L है लाइन L1 के जो डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं वो क्या दिए हम लोग लेट कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस दैट मींस L1 इक्वल टू 12 अपॉन 13 L2 और ये डायरेक्शन कोसाइन है LMM तो उसको 1 से फॉर्मूला है माइनस 3 अपॉन 13 एंड N1 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 13 ये L1 लाइन के लिए होगा L2 लाइन के लिए हम लोग देखते हैं दैट मींस L2 इक्वल टू 4 अपॉन 13 एंड M2 इक्वल टू 12 अपॉन 13 N2 इक्वल टू 3 अपॉन 13 नेक्स्ट L3 जो लाइन है उसके हम लोग को क्या करना है डायरेक्शन को साइंस L3 इक्वल टू 3 अपॉन 13 एंड M3 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 13 एंड M3 इक्वल टू 12 अपॉन 13 इस तरीके से है अब r हम लोग को क्या प्रूव करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या
मीन चोरी पर पर्टिकुलर कैसे एक्ट किया जाता है एक्चुअल में मीन चोरी पर पर्टिकुलर क्या है एक लाइन L1 या हम लाइन का L1 तो L1 के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए L2 क्या होगा इसका परपेंडिकुलर L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के ये दोनों तो परपेंडिकुलर प्रूफ हो गए दैट मींस ये दोनों परपेंडिकुलर होना अब थर्ड वाला लाइन L2 परपेंडिकुलर होना चाहिए L3 तो L2 से परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए L3 ये जो हमारा L3 लाइन है वो इसके क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर तो L2 के अगर परपेंडिकुलर ये है तो L1 के परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता तो हम लोग यहां बता सकते हैं कि L1 और L3 क्या होगा पैरेलल L1 L2 परपेंडिकुलर है L2 L3 परपेंडिकुलर है तो L1 L3 क्या होगा पैरेलल तो अगर हम लोग L1 L3 पर पैरेलल लगा देते हैं दैट मींस क्या होगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर म्यूचुअली क्या होगा परपेंडिकुलर होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं अब हम लोग परपेंडिकुलर लाना है तो L1 L2 को लेके और L2 L3 परपेंडिकुलर को कर लेते हैं दैट मींस या फिर हम लोग इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर लेते हैं तो भी प्रूव तो किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग परपेंडिकुलर कंडीशन का यूज करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोला गया है इसलिए नहीं तो हम लोग पैरेलल प्रूव करेंगे वही सही होगा तो सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि L1 L2 परपेंडिकुलर है या नहीं For L1 and L2, L1 and L2 के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? दोनों के डायरेक्शन को साइंस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए. That means L1, L2 plus M1, M2 plus M1, M2 equal होना चाहिए जीरो. अगर ये equal to जीरो मिल गया, that means दोनों परपेंडिकुलर होंगे. तो हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. तो L1 L2 क्या वैल्यू है? 12 upon 13 12 upon 13 12 upon 13 into 4 upon 13 plus minus 3 upon 13 into 12 upon 13 plus minus 4 upon 13 into 3 upon 13 इसको सॉल्व करते हैं अगर इक्वल टू 0 मिलता है दैट मींस दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो सॉल्व करने से क्या मिल जाएगी एलसीएम पूरे का एलसीएम ले लेंगे 169 आएगा 13 into 13 12 into 4 12 into 4 48 minus 12 into 36 minus 4 into 12 दैट मींस इसको सॉल्व करेंगे तो 48 minus 48 upon 169 दैट इज इक्वल टू 0 ये पूरा 0 मिल गया दैट मींस क्या है सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 L1 परपेंडिकुलर हो गया L2 से अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्या चेक करते हैं फॉर L2 L3 L2 L3 का क्या कंडीशन होगा उसके लिए चेक करना है तो L2 L3 के लिए देखते हैं L2 L3 L2 L3 के लिए कैसे हम लोग कंडीशन देते हैं L2 L3 plus M2 M3 plus M2 M3 इसकी वैल्यू लेते हैं इक्वल टू क्या आती है तो यहां से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने से क्या होगा 4 upon 13 4 upon 13 into 3 upon 13 plus 12 upon 13 13 into minus 4 upon 13 plus 3 upon 13 into 12 upon 13 इस तरीके से इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आ सकते हैं पूरा एलसीएम कितना होगा 169 4 3 का 12 प्लस प्लस माइनस माइनस 48 प्लस 36 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 48 माइनस 48 अपॉन 169 दैट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी 0 सो L2 इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर
L को परपेंडिकुलर है L3 पे। अगर हम लोग L1 और L3 के बारे में चेक करना चाहें, चेक कर लेते हैं कि L1 और L3 किस परपेंडिकुलर होंगे। L1 और L3 दोनों परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते, अगर हम लोग चाहें तो परपेंडिकुलर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग L1 L3 L1 और L3 के लिए देखो क्या चेक कर रहे हैं। L1 L3 के लिए पैरेलल का कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो पैरेलल का कंडीशन क्या है, L1 अपॉन L2 इक्वल होना चाहिए M1 अपॉन M2, इक्वल होना चाहिए M1 अपॉन M2। तो इस कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। तो ये कंडीशन चेक करने से क्या होगा, 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13 अपॉन 3 अपॉन 13 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 13 अपॉन माइनस 4 अपॉन 13 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 13 अपॉन 12 अपॉन 13। ये वैल्यू है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से क्या वैल्यू आएगी देखते हैं, माइनस 3 अपॉन 13 माइनस 4 अपॉन 13 एंड 4 अपॉन 13 4 माइनस 4 अपॉन 13 12 अपॉन 13 ठीक है। इसको चेक करते हैं तो आंसर 13 का आंसर कितना हो जाएगा, हेंस क्या वैल्यू है। तो सेकंड कंडीशन 13 दैट मींस माइनस माइनस 3 अपॉन 4। थर्ड कंडीशन क्या है, ये 13 का आंसर दैट मींस माइनस 4 अपॉन 12 दैट मींस 4 अपॉन 12 वो रिजल्ट माइनस 1 अपॉन 3 दैट मींस ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, अगर हम लोग परपेंडिकुलर की कंडीशन चेक करते हैं तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। L2 L3 L1 L3 परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। तो इसी तरीके से ना ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली दैट मींस L1 L2 के परपेंडिकुलर L2 L3 के परपेंडिकुलर। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे आप। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।